कोरोना वायरस के कारण एहतियात शक्तिपीठों को बंद करने के निर्देश के बीच बैजनाथ का ऐतिहासिक शिव मंदिर के साथ क्षेत्र के सभी मंदिरों में महाकाल मुकुटनाथ आदि सभी निजी मंदिरों के गेट बंद कर दिए गए हैं। हालांकि इन मंदिरों में बड़ी ज्यादा भीड़ नहीं देखी गई, फिर भी एहतियात के तौर पर प्रशासन द्वारा सभी मंदिरों के कपाट बंद करने का निर्णय लिया गया। कोरोना वायरस के कारण एहतियातन शक्तिपीठों को बंद करने के निर्देश के बीच बैजनाथ का ऐतिहासिक शिव मंदिर के साथ क्षेत्र के सभी मंदिरों में महाकाल मुकुटनाथ आदि सभी निजी मंदिरों के गेट बंद कर दिए गए हैं। हालांकि इन मंदिरों में बड़ी ज्यादा भीड़ नहीं देखी गई है, फिर भी एहतियात के तौर पर प्रशासन द्वारा सभी मंदिरों के कपाट बंद करने का निर्णय लिया है। इसके उपरांत मंदिरों में सन्नाटा सा छा गया है, लेकिन मंदिर में तीन पहरी आरती व श्रृंगार पहले की भांति पुजारी करते रहेंगे। इस दौरान भी किसी भी श्रद्धालु को मंदिर के अंदर जाने का प्रबंध नहीं रहेगा। मंदिर प्रशासन ने मुख्य गेट को बंद कर दिया है। इसके बाद किसी भी श्रद्धालु को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। वहीं बैजनाथ में एकमात्र गुरुद्वारे को भी संगत के लिए बंद करवा दिया गया है। 16 मार्च के बाद ACS हेल्थ के जो डायरेक्शन एडवाइजरी हमको आई थी उसके अनुसार सभी जो मंदिर हमारे सब डिविजन में स्थित हैं वो बंद कर दिए गए हैं। इसमें दो मेन मंदिर शिव मंदिर बैजनाथ और महाकाल मंदिर बंद कर दिए गए हैं और श्रद्धालुओं को गेट से ही वापस किया जा रहा है। इसके अलावा जो प्राइवेट मंदिर हैं उनके लिए भी हमने मैसेज पंचायतों के थ्रू पंचायत प्रतिनिधियों के थ्रू भिजवा दिया है। हमें मंदिर अधिकारी का निर्देश आया है कि मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएं और कोई भी श्रद्धालु मंदिर में नहीं आएगा, लेकिन पूजा अर्चना जो है जैसे होती थी वैसे ही होती रहेगी। तीन टाइम जो आरती होती है वैसे ही होगी, सुबह दोपहर और रात को भगवान के स्नान श्रृंगार वगैरह सब कुछ वैसे ही होगा जैसे पहले होता। इस दौरान श्रद्धालुओं को आने की कोई अनुमति नहीं है क्योंकि मंदिर के मेन गेट ही बंद कर दिए गए हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।